हे गाइस, स्वागत है आपका एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि पुष्पा मूवी सॉन्ग सिरिवल्ली का व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो आप कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप डेमो वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। चलिए वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है काइन मास्टर। को ओपन सबसे पहले कर लेना है। काइन मास्टर को ओपन जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले क्रिएट न्यू पर आपको कर देना है क्लिक। जब आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो 4.5 का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर कर देना है क्लिक। फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं, फिर हम टिक कर देंगे। इसके बाद इसकी जो ऑडियो है इसको हम यहाँ से म्यूट कर देंगे। इसके बाद वीडियो को फर्स्ट में आ जाएंगे। इसके बाद लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे। मीडिया पर जाने के बाद आप अपना एक फ़ोटो ले लेना है जिसका बैकग्राउंड जो है वो इरेज रहे। अगर बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से वीडियो को देख कर अपना बैकग्राउंड को इरेज कर लीजिएगा। चलिए फ़ोटो लेते हैं उसका। अब इस फोटो को आपको कट कर लेना है। अब इस फोटो को सेट कर लेना है। सेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम बड़ा कर देंगे इसे। इसके बाद हम इस वाले पट्टी पर क्लिक कर देंगे नीचे। इसके बाद उसको पकड़ कर हम पूरे को ऐसे फैला देंगे। इसके बाद टिक कर देंगे। अब हम इसका डुप्लीकेट निकाल लेंगे। डुप्लीकेट निकालने के लिए इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर जाकर डुप्लीकेट निकाल लेंगे। इसके बाद हम वहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको घुमा देंगे। घुमाने के बाद इसको भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद इस वाले लेयर पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अल्फा को यहाँ से कम कर देना है। इसके बाद यहाँ से कर देना है टिक। टिक कर देंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसके बाद लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद एक लिरिक्स वीडियो ले लेना है। अब ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद यहाँ पर स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से टिक कर देना है। अब यहाँ से आपको इसको बड़ा कर लेना है इसे। आपको पुनः लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको एक कलर इफेक्ट वाला वीडियो ले लेना है। इसके बाद इसको इफेक्ट वाले वीडियो को आपको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपको पुनः ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद टिक कर देना है। इसके बाद जितना भी लिरिक्स वाला वीडियो है वहाँ तक आपको वीडियो को रखना है। इसके बाद सबसे ऊपर वाला वीडियो को टिक करना है। इसके बाद कैची वाले ऑप्शन पर जाकर इसको कट कर देना। कट कर देने के बाद आप हमारा वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पर कर देना है आपको क्लिक। क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। सेव पर क्लिक कर देना है और आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।